हरियाणा नाथपंथ की परंपरा के अनुसार बारह के श्री महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत श्री समुद्रनाथ जी महाराज इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और पूज्य संत सोमनाथ जी महाराज के कृपा पात्र महंत दीपक नाथ जी महाराज, अलवर सिटी के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री माननीय संजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, सभी भक्तजन और यहां पर उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरा यह सौभाग्य है कि नाथ पंथ में दीक्षित महाराज भर्तरी की इस पावन साधना स्थली अलवर के इस लाडपुर गांव में मुझे अपने नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए लोक कल्याण के लिए समर्पित था उनकी पावन स्मृति में समर्पित इस भंडारा कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तिजारा से उपस्थित यहां पर सभी भक्तजनों का हृदय से भी अभिनंदन करता हूं कि मैं पिछली बार तिजारा आया था जब यहां चुनाव चल रहे थे और उस समय आपने जो स्नेह और जो प्यार महंत योगी बालकनाथ जी को प्रदान किया वे विजयी होकर के गए और आज उनका सानिध्य न केवल तिजारा को, अलवर को और हरियाणा को निरंतर प्राप्त हो रहा है। नाथ संप्रदाय भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पंथ है। अनेक उपासना विधियां भारत के सनातन धर्म के अंदर है, उनके दर्शन अलग हो सकते हैं, उनकी पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब इस सनातन धर्म के एक पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं। हमारे सारे कार्यक्रम सनातन धर्म के प्रति, भारत के सनातन परंपरा से जुड़े हुए आराध्य देवों के प्रति, ऋषि मुनियों, योगियों, सिद्धों, संतों के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम सबका यह मानना है कि सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है। भारत और सनातन धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म अपने आप को भारत के साथ जोड़ करके चलता है। भारत मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। और इस भाव के साथ लगातार हमारे पूज्य संतों की साधना, उनका समर्पण, लोक कल्याण के कार्यक्रम इसी अभियान के हिस्से हैं। इसी अभियान के तहत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। नाथ संप्रदाय की परंपराएं इसी बात को लेकर के चल रही हैं। सिद्ध संत योगी खेतानाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन इन्हीं सब लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए
यहां के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित किया था। उनकी साधना इसी सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के कल्याण के लिए समर्पित था और उन्हीं के शिष्य पूज्य संत महंत सोमनाथ जी महाराज का भी पूरा जीवन इसी कल्याण के लिए समर्पित था। और आज यहां पर महंत दीपक नाथ जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस भव्य भंडारा कार्यक्रम को यहां पर संपन्न किया है। यही तो चमत्कार है। आपने देखा होगा रात्रि में मूसलाधार बारिश हुई, लाडपुर और उसके आसपास को छोड़ दें तो उसके आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश पड़ रही है। जब मैं आगरा से चला था तो मौसम अत्यंत विपरीत हो रहा था, लेकिन जब मैं यहां पे आया तो यहां के मौसम को मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अगल बगल के क्षेत्रों में बारिश पड़ रही है, लेकिन इन संतों की, इन सिद्धों की कैसी कृपा है कि जहां पर उनके निमित्त कोई आयोजन हो रहा हो उस पूरी धरती को वे इतना रखते हैं कि ये जो बारिश के कार्यक्रम होने हैं ये प्रकृति के नियम का एक हिस्सा है। ये जो भी होगा ये पूरे यज्ञ के संपन्न होने के बाद ही वह भी अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगा। राजस्थान का अपना एक इतिहास है और मैं बार बार जब राजस्थान आता हूं तो इस बात को कहता हूं कि राजस्थान देश की भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम की भूमि है। यहां भक्ति की भी एक अग्रल धारा बही है पूज्य संतों के माध्यम से, अन्य अन्य भक्तों के माध्यम से, और यहां पर शक्ति की एक धारा यहीं से प्रस्फुटित होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित की है। महाराज भर्तृहरि को भी अपनी साधना को, सिद्धि को एक चरम तक पहुंचाना था तो उन्हें उज्जैन से निकलकर अगर उन्होंने किसी एक धरती को चुना था तो अलवर की इस अरावली के क्षेत्र को ही चुना था। और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि यहां के बारे में तो कहा जाता है कि भर्तृहरि जी महाराज को किसी न किसी रूप में अलवर क्षेत्र में अपने भक्तों को दर्शन देते ही रहते हैं, निरंतर उनका सानिध्य यहां प्राप्त होता है, यहां के लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है। खेतानाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था, पूज्य संत महंत चांदनाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था, उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में नाथ संप्रदाय की परंपरा और सनातन धर्म के मूल्य और आदर्शों के लिए निरंतर कार्य किया, लगातार लगे रहे। और आज वही कार्य तो महंत योगी बालकनाथ जी महाराज कर रहे हैं और वही कार्य लाडपुर गांव में रह करके यहां के संतों भक्तों के सहयोग से श्री महंत दीपक नाथ जी महाराज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं हमें इस बात को देखना होगा कि हम लोग यह देश सब कुछ था, हमारे पास बल भी थी, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, सब कुछ था, फिर भी हम गुलाम हो गए। क्यों? गुलामी का कारण क्या था? सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का कारण क्या था? हमें इसकी तह में जाना ही होगा। याद रखना, बीमारी अगर कहीं पे है तो बीमारी का उपचार भी होना चाहिए। वही मनुष्य ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकता है जो बीमारी के होने के पहले ही बचाव कर ले। बचाव कर लिया तो उत्तम माध्यम, लेकिन अगर बचाव के बावजूद बीमारी आई गई तो समय से उसका उपचार के लिए पहले हम सावधानी बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं,
फिर हम लोग सामान्य दवा से उपचार कराते हैं और जब वह कैंसर होने लगता है तो पहले रेडियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं और नहीं तो उसकी सर्जरी भी करनी होती है।